हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इन दिस सेशन आई विल टीच यू सोशल साइंस, जो कि क्लास 8 के लिए है, जिसमें हम चैप्टर 1 का निश्चयन करेंगे, जो कि इंडिया और इंडिया के मॉडर्न एज के बारे में बताएगा। उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इंडिया एंड मॉडर्न एज। उससे पहले चैप्टर में क्या है उसको हम ब्रीफ से पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग लिख दिए हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स एंड क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री। अब देखिए, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मतलब एक तरह की कहानी है, जो कि हम लोग इलेबोरेट करते हैं, बताते हैं उनको डेट के साथ, और वो डेट उस डेट में कौन सा इवेंट हुआ, कौन सा घटना उस डेट में हुआ, वही उसको मतलब एक क्रम में सजाएंगे। सजा के जब उसको हम बताते हैं तो वही एक तरह का हिस्ट्री होता है। जैसे आज आज मान लीजिए यस्टरडे कोई चीज अकर हुआ, मतलब कुछ हुआ, अगर और टूडे टूमोरो, तो ऐसा नहीं होगा जो पहले इसको हम बता देंगे, उसके बाद इसको बताएंगे, उसके बाद इसको बताएंगे, या पहले इसको बताएंगे उसके बाद इसको बताएंगे, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। हिस्ट्री क्या है? एक सिस्टमेटिक डेट और उस दिन में जो क्या घटित हुआ है उसके हिसाब से जो भी बताता है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो पहले यस्टरडे के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, उससे निष्कर्ष, उसका रिजल्ट निकालेंगे, तो टुडे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पिछला दिन जो हुआ उसका आज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक इसी को मतलब एक क्रम में सजा के हम लोग जब बताते हैं तो उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। तो देखिए, होता ऐसा है जो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उस डेट में क्या फिनोमिना हुआ है वो फिनोमिना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों को एक साथ ही कंबाइन करके हम लोगों को हमेशा बताना होता है। अगर एक दूसरे को मिसमैच कर दिए तो हम लोग नहीं बता पाएंगे जो कौन चीज क्या हुआ था, और उसका सही रिजल्ट, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, सही सही ऑब्जर्वेशन हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे, और आज के समय में उसका उसका एप्लीकेशन को यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो डेट और उस डेट में जो घटना फेनोमेना जो हुआ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोरिकल एनालिसिस पास्ट, देखिए हिस्टोरिकल एनालिसिस पास्ट इवेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड स्पेकुलेट फ्यूचर प्रोसेस। जो हिस्टोरियन है वो एनालाइज करते हैं पास्ट इवेंट क्या है, पास्ट में क्या हुआ था, वो उसको एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करके उसका एक रिजल्ट निकालते हैं, और उस रिजल्ट का प्रेजेंट में क्या असर पड़ रहा है और फ्यूचर में उसका कैसा मतलब प्रभाव पड़ेगा, उस मतलब वो जो फेनोमेन जो कि हिस्ट्री में हुआ है, जो कि पास्ट में हुआ, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या इस्तेमाल होगा, वो हम लोग हिस्टोरियन हमको बताते हैं। अगर वही घटना हमको सही डेट के साथ पता नहीं लगेगा तो उसका सही से हम ऑब्जर्वेशन या उसका परिकल्पना हम लोग अच्छे से नहीं कर सकते। To know how and why our world is the way it is today, we had to look back in the past to seek answer. देखिए, हम लोगों का संसार आज कैसा है, इसके बारे में अगर हम लोगों को जानना है तो हम लोगों को आज से पहले जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके बारे में जरूर जानना हो, तभी हम लोग पता लगा सकते हैं जो आज का करंट में जो वर्ल्ड है इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर हम लोग पीछे में हमको कुछ पता नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बता पाएंगे जो धीरे 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 ये विकास हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पे हम आज पहुंच पाए हैं। तो हमेशा ही वो सिस्टमेटिक वे में हमको पता रहना चाहिए जो हिस्ट्री में हुआ क्या, पास्ट में क्या इवेंट हुए, ये बारे में हमको जरूरी ही पता रहना चाहिए। एंड दिस कैन नेवर बी कम्प्लीटेड विदाउट डेट, और ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये कभी भी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते अगर डेट नहीं दिया गया। मान लीजिए कोई मेडिएवल पीरियड में स्टार्ट हुआ कोई चीज, अगर ये हमको पता ही नहीं है कि वो किस पीरियड में स्टार्ट हुआ तो हम लोग उसका मतलब स्पेकुलेशन कैसे कर सकते हैं सही तरीके से। इसलिए डेट का याद होना और डेट का क्रोनोलॉजी का याद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट एंड टाइमलाइन टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द हैपनिंग ऑफ पास्ट। सिंपली पुट, इफ वी नो व्हाट हैपेंड फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड
व्हाट इट्स इफेक्ट वेयर एंड द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। देखिए अगर हम लोग ये जान पाएंगे तो पहले क्या हुआ था, तो ये भी हम लोग उसका मतलब परिकल्पना कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं जो उस समय में क्या हुआ था और उसका रिजल्ट आने वाले समय, उसी का आने वाले समय में क्या हुआ था और वो रिजल्ट आया कैसे, उस रिजल्ट का परिणाम धीरे धीरे संसार पे कैसे हुआ, वर्ल्ड पे कैसे हुआ, वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए इस घटना को लेके, तो हमेशा ही क्रोनोलॉजी याद मतलब रहना बहुत जरूरी है और डेट रहना बहुत जरूरी है इस सब चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर एंड हाउ दे हैव चेंज, मतलब हिस्ट्री जो है हम लोगों का हिस्ट्री यही इसी बारे में बताता है जो कोई चीज कैसे हुआ और उस चीज का इफेक्ट आने वाले समय में कैसे पड़ा, उस चीज का इफेक्ट आने वाले समय में कैसे पड़ा, ये ही हिस्ट्री के बारे में बताता है। बट टाइम इन हिस्ट्री कैन नॉट और डज नॉट ऑलवेज हैव टू प्रिसाइज डेट इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ, और ये जब हिस्ट्री में बहुत जैसे मेडिवल पीरियड हुआ तो उस समय में पर्टिकुलर डे में हम लोग नहीं बता सकते तो इस डे में क्या हुआ था। हाँ ये जरूर बता सकते हैं जो इतने सालों में जैसे 50 साल हो गया ये उस सेंचुरी में क्या हुआ था ये जरूर बता सकते हैं, मगर उस सेंचुरी के उस ईयर के उस मंथ के उस डेट में क्या हुआ था ये हम नहीं बता एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं क्योंकि बहुत दिन पुराना हिस्ट्री है और उतना हम लोगों को डेट वाइज मेंशन नहीं है, हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं जो हाँ ये सेंचुरी में हुआ था, जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है हम लोगों के पास उसको पढ़ के अंदाजा लगाते हैं जो हाँ उस सेंचुरी में ये चीज अकर किया था, मतलब ये फेनोमेना उस समय में हुआ था, मगर वो एग्जैक्ट डेट में हुआ था ये हम लोगों को पता करने में बहुत मुश्किल होते हैं या हम लोग नहीं पता कर पाते हैं। वी कैन नॉट ऑलवेज फिक्स अ सर्टेन डेट टू मार्क अ प्रोसेस दैट हैपन और व्हाई, फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर विल नॉट बी वन डे इट डेवलप ओवर टाइम, सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स अ सिंगल डेट ऑन व्हेन द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए मैंने बोला ना जो मतलब एक डेट को हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर तो डेवलप हुआ मगर किस डेट को हुआ ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, किस डेट में पहला मानव जो था वो किस डेट में एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हुआ ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये जरूर बता सकते हैं जो इस एज में हुआ मतलब इस सेंचुरी में हुआ ये जरूर बता पा सकते हैं, वैसे ही ये नहीं हमको डेट के बारे में हम लोग नहीं बता पा सकते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया कब आए किस डेट में आए ये नहीं बता पाते हैं, ये हम जरूर बताते हैं हाँ इस ईस्वी में इंडिया आया या इस सेंचुरी में इंडिया आया ये हम जरूर बता पाते हैं, जहां इस 1600 सेंचुरी में इंडिया आया ब्रिटिश जो था वो इंडिया आया इस सेंचुरी में, एग्जैक्ट डेट के बारे में हमको नहीं पता। द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और वेन सर्टेन चेंज टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब देखिए जब ब्रिटिश रूल किस डेट में आए ये नहीं बता सकते हैं, कोई भी मूवमेंट जो भी उस टाइम में हुआ था ब्रिटिश के टाइम में उसका डेट स्पेसिफिक डेट लगभग बहुत सारे मूवमेंट का हमको नहीं पता, एक दो मूवमेंट को छोड़ के बाकी सब मूवमेंट को हम नहीं बता सकते हैं जो इस दिन अगर किया था, क्या सोशल चेंजेस आए थे, इकोनॉमिक चेंजेस किस दिन आया था ये सब बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। द अगेन द रीजन टू एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट इज टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री राइटिंग फ्रॉम द पास्ट, देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट, एक समय ऐसा था जब हिस्ट्री मतलब लड़ाई और किसी बहुत बड़ी घटना पे ही मतलब लिखा जाता था, छोटे छोटे घटना में छोड़ दिया जाता था, जैसे बहुत बड़ा लड़ाई हुआ वही उसी घटना के बारे में लिखा जाता था और उस बड़े बहुत बड़ी लड़ाई के अगल बगल क्या हो रहा है उस समय में, जिस समय में लड़ाई चल रहा है उस समय में कंट्री के दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, छोटा छोटा चीज जो अकर कर रहा है उसके बारे में हम लोग नहीं बता पाते, हम लोग नहीं लिखते थे और हम लोग नहीं बताते थे, वही हिस्ट्री उस समय में होता था। Talking about prominent people, their activities and their things daily. जो बहुत बड़े आदमी थे उनके बारे में हमको जानकारी है, जो छोटे मोटे आदमी थे तो जो भी महत्वपूर्ण काम किए थे, छोटे मोटे आदमी भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं उनके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री जो था वो बहुत बड़े इवेंट या बहुत फेमस आदमी के ऊपर
लिखा जाता था, छोटे छोटे के ऊपर नहीं लिखा जाता था। वी स्पेसिफाइड दे कैन बी डिटरमाइंड, वेयर स्पेसिफाइड दे कैन बी डिटरमाइंड दैट हिस्टोरियन कंटिन्यू टू डिबेट ऑन व्हेन वेदर एंड हाउ डेज इवेंट अकर्स। तो ये जो डेज है ये हिस्टोरियन क्या होते हैं, हिस्टोरियन जो थे वो मतलब तर्क वितर्क करते थे तो हाँ इस समय में ये हुआ, तो मतलब इस समय में ऐसे हुआ था, ये हुआ था, मतलब वो तर्क वितर्क करके जो एक हिस्ट्री वो लिखते थे, उसका एग्जैक्ट मतलब डेट नहीं था, मतलब वो तर्क करते थे हाँ इस सेंचुरी में ऐसा हुआ होगा, ये जो हमारे पास तथ्य है ये उस सेंचुरी के ही लगते हैं और उस सेंचुरी में ऐसा हुआ। एज ए लार्ज एम्बल साइज इज नाउ बीइंग गिवन ऑन अंडरस्टैंडिंग द लिस्ट ऑफ कॉमन पीपल देयर लाइवलीहुड व्हाट दे एट हाउ सिटी डेवलप एंड मार्केट कैम अप द हाउ किंगडम वेयर फ्रॉम एंड न्यू आइडियाज बी एंड हाउ कल्चर कल्चरल एंड सोसाइटी चेंज वेयर अकर एंड इट हैज सर्टेनली चेंज्ड द वे वी लुक एट हिस्ट्री राइटिंग एंड अंडरस्टैंड द इवेंट ऑफ द फर्स्ट। अब देखिए पीरियडाइजिंग हिस्ट्री, पीरियडाइजिंग हिस्ट्री मतलब क्या होता है, हिस्ट्री को हम पीरियोडिकली हम उसको मतलब क्रम के अनुसार से उसको बताते हैं, हाँ पहले ये हुआ था इस मतलब 1600 ईस्वी में ये हुआ था, उसके बाद 1700 ईस्वी में ये हुआ था, उसके बाद 1800 ईस्वी में, या ऐसा नहीं बता देंगे, बता सकते हैं जो 18 में पहले लिख दिए उसके बाद 18 का जो रिजल्ट हुआ वो 17 के बाद, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा वे है जो हम लोगों का मतलब तरीका है उस तरीके जो अब रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे, जो 17 सेंचुरी में हुआ उसका इफेक्ट 18 सेंचुरी में पड़ेगा, मगर जो 18 सेंचुरी में हुआ उसका इफेक्ट 17 सेंचुरी में नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले हम 18 सेंचुरी पर बारे में निकाल के उसका रिजल्ट हम 17 सेंचुरी पर होकर ये सही नहीं होगा, एग्जैक्ट जो क्रोनोलॉजी है वो 17 to 18 ही आएगा, 18 से 17 नहीं जाएगा। Dividing history into different periods need to be carefully done, considering the central characteristic of the particular time, differentiating it from other periods. The demarcation that we made reflect our ideas about the past, which is why we moved away from the earlier periodization of the Hindu-Muslim British. अब देखिए, ये जो हिस्ट्री का जो हम लोग डिवाइड करते हैं जैसे एंशियंट हो गया, मेडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इस सब को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो एकदम सतर्कता पूर्वक करना होता है हम लोगों को। और सेंट्रल कैरेक्टर मतलब मैंने बोला था ना, जो मतलब अगर बहुत बड़ा घटना हो रहा है या बहुत बड़े आदमी कुछ करते हैं तो वो एक तरह का सेंट्रल कैरेक्टर हो गया, तो उस सेंट्रल कैरेक्टर पे ही मतलब ध्यान दिया जाता था और उस टाइम में किस समय में हो रहा है उस चीज का ध्यान दिया जाता था। और ये भी जरूर बताना होता था जो हाँ इस पीरियड में हुआ, ऐसा नहीं है जो पीरियड का पता ही नहीं है, सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर का ही हमको पता है, दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। हिस्टोरियन नाउ डिवाइडेड इंडिया इंडियन हिस्ट्री इनटू लेस प्रॉब्लमेटिक एंड मोर सुटेबल। देखिए अब हिस्टोरियन जो थे वो जो इंडियन हिस्टोरियन थे वो इंडिया का जो हिस्ट्री था उसको लेस प्रॉब्लमेटिक जैसे और बहुत सुटेबल तरीका से उसको डिवाइड कर दिए, जैसे पहले पता नहीं था जब हिस्ट्री डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाते थे कि ये कब हुआ है नहीं हुआ, मगर अब जब हिस्टोरियन जो थे वो हिस्ट्री को डिवाइड कर दिए हिस्ट्री को तीन पार्ट में, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, तो हम लोग पता लगा पाते हैं हाँ ये मेडिएवल में ये फेनोमेना हुआ था, ये मेडिएवल में हुआ था और ये एंशिएंट में हुआ था, ये मॉडर्न में हुआ था, ऐसे हम लोग बता पाते हैं, ये लेस प्रॉब्लमेटिक है। सिंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एंशिएंट एंड मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आपने पहले ही मेडिएवल और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, जो कि स्टार्ट होता है 18 सेंचुरी से और उसका एंड होता है इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब 1947 में उसका एंड होता है। मॉडर्न हम लोगों का जो हिस्ट्री होता है वो स्टार्ट होता है 18 सेंचुरी में और एंड होता है 1947 में।
द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एसेंशियली कॉलोनियल स्टडी कॉलोनियल रूल एंड डोमिनेटिंग विद द कमिंग ऑफ फॉरेन पावर दैट सब्जेक्टेड द इंडिजिनस रूलर्स देश फॉरेन पावर्स स्पेशली द ब्रिटिश एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी टू कैटर देयर इंटरेस्ट द स्ट्रिंग ऑफ दिस इवेंट एंड their process brought a major changes in the social, cultural, economic and political fabric of the country. However, all classes and groups experienced these changes in different ways. तो देखिए modern period जो है ये basically ये जो modern period है ये उपनिवेशवाद को बताता है ये जो modern history of India है इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली ये उपनिवेशवाद को बताएगा जिसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो ब्रिटिश के बारे में बताएगा जो ब्रिटिश पहले कैसे आए ब्रिटिश पहले तो वो व्यापारी के तौर पे आए फिर यहाँ पे धीरे 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 उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया उसके बाद यहाँ के जो राजा थे उनको डिफीट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो कैसे पूरे पैन इंडिया पे वो अपना वर्चस्व स्थापित किए और यहाँ का जो भी रिसोर्सेज था उसको अपने रिसोर्सेज की तरह यूज करते थे इसके बारे में इसके ही अबाउट इंडिया रोटेट करेगा इस मॉडर्न पीरियड में आप देखिए वो कैसे आए उन्होंने कैसे मतलब सब चीज चेंज किया रूल्स कैसे चेंज किए कंट्रोल इकोनॉमिक पे कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश किया सोसाइटी पे अपना कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश किया ये सब के बारे में ही हम मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे अब देखते हैं कमिंग ऑफ यूरोपियन इंडिया अब यूरोपियन जो ब्रिटिश हैं वो कैसे आ रहे हैं या और भी यूरोपियन कंट्री थे वो इंडिया में कैसे आए थे इसके बारे में पढ़ेंगे पोर्तुगीज ट्रेडर वेर द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया व्हेन वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलिकट केरला ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1498 अब देखो पोर्तुगीज जो थे जिसको हम पुर्तगाल हिंदी में बोलते हैं वो पहले फॉरनर थे या फॉरेन इन्वेजर थे जो कि इंडिया में आए थे वो तो इनिशियली वो तो ये सोच के आए थे जो हाँ यहाँ पे कोई लैंड का पार्क यहाँ पे कोई मतलब बहुत बड़ा लैंड है यहाँ पे आदमी रहते होंगे तो यहाँ पे हम जाके अपना मार्केट को मतलब व्यापार करेंगे यहाँ पे जाके हम व्यापार करेंगे तो वो पहले कब आए वो सी रूट से आए और 1498 में पुर्तगीज आदमी था व्यापारी था वास्को डी गामा वो केरला के कालीकट तट पे पहुंचे द डच फॉलो देम इन 1595 डच उसके बाद आए 1595 द इंग्लिश स्पीच इन 1600 और जो अंग्रेज ब्रिटिश थे वो 1600 में आए थे और लास्ट में फ्रेंच आए थे वो 1664 में आए थे दे इनिशियली केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ मार्केट एंड टू एस्टेब्लिश ट्रेड मोनोपोली इन एशिया अब देखिए वो इनिशियली इंडिया को मार्केट समझ के आए थे और एशिया में जो एशिया का जो रीजन है उसमें इंडिया का जो मार्केट है उसको बताने के लिए आए थे जो हाँ इंडिया में एक मार्केट है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं मतलब व्यापार कर सकते हैं मगर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया यहाँ के जो स्मॉल किंग थे उसको धीरे धीरे उन्होंने अपने मतलब जो भी उनका ये होता था उसको अपने में लाना स्टार्ट किए फिर धीरे धीरे वो सबको संगठित किए उसके बाद सबको मिला के वो बिग किंग्स को था जो बड़े बड़े राजा थे उनको धीरे धीरे डिफीट करना स्टार्ट किए और ये सब करके धीरे धीरे वो पूरे इंडिया पे राज करना स्टार्ट किए तो पहले तो वो व्यापारी के तौर पे आए थे मगर लास्ट में वो उपनिवेशवादी हो गए कॉलोनियल हो गए कॉलोनाइजर हो गए तो यहाँ पे आके थे तो दूसरे कंट्री के मगर यहाँ पे आके यहाँ के संसाधनों को वो अवशोषण करते थे और यहाँ के अच्छे चीजों को वो अपने यहाँ पे लेके जाते थे और यहाँ के जो ओरिजिनल पीपुल थे यहाँ के जो नेटिव पीपुल थे उससे यहाँ पे घर वसूलते थे और बहुत सारे चीज यहाँ पे करवाते थे तो ओरिजिनली वो तो व्यापारी के लोग रूप में आए थे मगर लास्ट में आते आते वो यहाँ के कॉलोनाइजर हो गए तो हम लोग कमिंग ऑफ यूरोपियन इन इंडिया पढ़ चुके हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सोर्स फॉर रिच कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थैंक यू